दिल्ली के सिविक सेंटर में हुई बैठक में दिल्ली में नालों की सफाई और जल भराव की समस्याओं को लेकर चर्चा की। बैठक में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर अनामिका सिंह व पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन शामिल थे। इस बैठक में मेयर जयप्रकाश ने कहा कि राजधानी दिल्ली के कई बड़े नाले दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं और मॉनसून के आने से पहले व लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए दिल्ली सरकार इनकी सफाई पर ध्यान दे ताकि बारिशों में जल भराव की समस्या उत्पन्न ना हो। दिल्ली के अंदर 5 एजेंसियों के नाले हैं, जिसमें जो मुख्य बड़े नाले हैं वो सारे के सारे दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले नाले वो सब भी दिल्ली सरकार के जो विभाग है, चाहे वो फ्लड्स है, चाहे PWD है, चाहे DSI DC के नाले हैं, चाहे दिल्ली जल बोर्ड के नाले हैं, उन सब के नाले सीवर में ही जाकर के हमारे भी नालों का पानी मिलता है। और अगर आगे बड़ा रास्ता बंद हो, अगर हाईवे जाम हो, तो छोटे जो रास्ते हाईवे की ओर जा रहे हैं वो सब भी जाम हो जाएंगे। मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली के सभी बड़े नाले आपकी सरकार के अंतर्गत आते हैं। और जब अभी लॉकडाउन पूरा खुला नहीं है, जब लॉकडाउन पूरा खुल जाएगा तो इन नालों की सफाई करने में ज़्यादा समस्या आएगी। तो जैसे हम लॉकडाउन का हम सदुपयोग कर रहे हैं, ऐसे दिल्ली सरकार भी लॉकडाउन का सदुपयोग करे और उनके सभी विभाग अपने अंतर्गत आने वाले सभी बड़े नालों की सिल्ट समय पे निकाल करके SLF पे पिछवाए, ताकि जब बारिश तेज़ हो जाए, तेज़ बारिश आए, तो बड़े नाले में रुकावट ना हो, बड़े नाले भरे ना। हम हर तरह की का समाधान करने के लिए तैयार है। मॉनसून के जो प्रवेश आते ही उसकी तैयारी जो हम अभी वर्तमान में हम लोग 60-65% कर चुके हैं, इसका प्रमाण भी है कि अभी यहाँ देखिए, ये हम ये चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी सुदृढ़ है। यहाँ पर ये फोटो के साथ हम आपको दिखाए हैं कि देखिए हमारा कार्य जो है वो 60% हो चुका है और चारों जोनों में जो है, जहाँ पर है हमारी साउथ की जो 4 जोन है, तो 4 जोन में कितना कितना सिल्ट हमारा उठ चुका है, निकाला जा चुका है। यहाँ पर 71 नाले जो हैं, इनमें बड़े नाले हैं 71 नाले हमारे SDMC का है, और 5 बड़े नाले जो हैं वो DDA है, दिल्ली जल बोर्ड का है, और साउथ जोन में हमारे 62 नाले हैं, वेस्ट जोन में हमारे 73 नाले हैं, नजफगढ़ जोन में हमारे 66 नाले हैं, टोटल हमारे 272 दक्षिणी दिल्ली में नाले। देखिए, दिल्ली जल भराव से ना जूझे, जल भराव से संबंधित समस्याओं का सामना ना करना पड़े, जल जनित मच्छर जनित बीमारियों को से हमें जूझना ना पड़े, उसके लिए नगर निगम प्रोएक्टिव होकर काम कर रहा है। हमने पीछे अपने सभी विभागों की मीटिंग करी थी, उसमें हमने समीक्षा बैठक की है, कितने हमारे नाले हैं, कितने उसकी सफाई होगी है, कितनी सिल्ट अब तक निकलनी चाहिए थी, कितनी निकली है और कब तक का है, सबका टारगेट फिक्स किया गया है। और हमने इस संबंध में दिल्ली के जो बड़े नाले हैं, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो PWD का नाला है, चाहे DSI DC का नाले हैं, चाहे फ्लड्स के नाले हैं, चाहे दिल्ली जल बोर्ड के सीवर लाइन है, वो उन सब के लिए भी हमने चिट्ठी लिख के भेजी है कि समय रहते वो अपनी सफाई करें, ताकि जो हमने सफाई की है उसका लाभ दिल्ली की जनता को मिल सके। अगर हम तीनों निगमों की बात करें, तीनों निगमों ने 34,000 मीट्रिक टन सिल्ट निकाल करके SLF तक पहुंचा दिए। और PWD की बात करें तो 500 मीट्रिक टन भी अभी तक सिल्ट नहीं निकली है, जबकि नाले तो PWD के ज़्यादा हैं। DSI DC क्या कर रही है, फ्लड्स क्या कर रहा है, दिल्ली जल बोर्ड क्या कर रहा है, सारे सीवर लाइनें बंद पड़ी है, जगह जगह ब्लॉकेज हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि वो अपना काम बेहतर करे, हम अपना बेहतर काम करें, और समय रहते अगर हमारे कहीं पॉइंटों पे कोई रुकावट है तो हमें बता दें, उनके पॉइंटों पे कहीं वाटर लोग होगी तो हम लिख के भेज देंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, दिल्ली जल भराव से बच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, निगम का जो सर्वप्रथम कार्य है वह है नाले की सफाई, और अब मानसून आ गई है
और मानसून आने के बाद क्या होता है कि नाले की तो सफाई हम लोग प्रत्येक जो महीना करते ही रहते हैं सही ढंग से, लेकिन मानसून आने के बाद हम लोग जो है उसमें विशेष सफाई अभियान जो है वो शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत साउथ दिल्ली में हमारे चार जोन हैं और 272 जो है हमारे नाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो नाले हैं वो तो हमारे PWD के अंतर्गत है और जो हमारी दिल्ली सरकार की 5 एजेंसियां हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारे जो छोटे नाले हैं और दक्षिणी दिल्ली में जो 272 नाले हैं उसमें जो हम पूर्णतः 60% जो है उसका जो है सफाई कर चुके हैं और 16,500 मेट्रिक टन अभी तक हम सिल्ट उठाने में जो है वह कामयाब हो चुके हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने सभी नालों को लगातार काम शुरू कर दिया है और लगभग हम इस समय 10,000 टन से ज़्यादा हम सिल्ट निकालते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आने से पहले भी अधिकारियों से बातचीत करी थी और सारा पूरा काम मैंने समीक्षा करी तो मुझे लग रहा है कि ये हम टारगेट पूरा कर लेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है जो अधिकारियों ने मुझे बताया कि PWD के नालों से सिर्फ अभी तक 257 टन सिल्ट निकली है। बड़े नाले जितने हैं वो सारे PWD के या फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के, तो ये तो उनको इसको समझना पड़ेगा उनको जब तक उनके नालों की, मैंने भी बताया ना कि जैसे फ्लड कंट्रोल ड्रेन नंबर 1 का जरा सा नाला उसमें से पानी के जैसे उसका लेवल आता है सारा शादरे में अंदर पानी भर जाता है और हमारी सारी मेहनत जो है वो 10 मिनट के अंदर बेकार हो जाती है। तो मेरा आप निवेदन है कि दिल्ली सरकार कम से कम नालों का व्यवस्था करें, नहीं तो ये दिल्ली को आगे हम जल भराव से नहीं बचा पाएंगे।